लेटेस्ट मैंने 3 बार डोनेट किया है अब तक, 20 दिन में 3 बार। पैसा नहीं लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी ऑल इंडिया में। मैं खुद 28 बार कर चुका हूँ डोनेट, बहुत दूर दूर जाके दिल्ली तक भी और अमृतसर तक जाके पंजाब तक। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रियल फैक्ट्स, लगातार कोशिश कर रहे हैं रियल फैक्ट के पास आपको पहुंचाने की। आज इसी सिलसिले में बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के ब्लड डोनेशन कैंप्स के बारे में, इंसानियत के कामों के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम तरुण इंसा जी, मैं खुर्जा जिला बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। सर क्या प्रोफेशन है आपका? हमारा यही काम, मतलब बिना ब्लड के किसी की जान नहीं जानी चाहिए, मतलब तो भाई किसी को भी कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमारा MSG ब्लड ग्रुप के नाम से है व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम ज़रूरतमंद को ब्लड मुहिम कराते हैं कहीं पर भी ऑल इंडिया में ज़रूरत हो, और अब तक 1000 यूनिट ब्लड दिलवा चुके हैं हम। सर कोई पैसा लेते हो आप इस? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी ऑल इंडिया में। मैं खुद 28 बार कर चुका हूँ डोनेट, बहुत दूर दूर जाके दिल्ली तक भी और अमृतसर तक जाके पंजाब तक। सर ऐसी सोच आपके अंदर कैसे आई? कोई आज अपने भाई को ब्लड डोनेट नहीं करता, आप किसी और के लिए इतनी दूर जाके ब्लड डोनेट कर दिया। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया थी डेरस चौक सिरसा से, सन डॉक्टर गुरमीत रामनिवास सिंह इंसान है, उनकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए हम काम कर रहे हैं। सर आपने 28 बार किया, कभी आपको डर नहीं लगा? नहीं जी, मैं तो 20 दिन में 3 बार भी प्लेटलेट्स डोनेट करी है और आज भी दिल्ली जा रहा हूँ डोनेट करने के लिए दोबारा। आपने सर प्लेटलेट्स कितने बार डोनेट किए? प्लेटलेट्स मैंने 3 बार डोनेट किया अब तक, 20 दिन में 3 बार, बाकी मैंने 24 बार ब्लड डोनेट किया। सर और किस तरीके के कार्य है जिस संस्था से आप जुड़े हो, डेरा सच्चा सौदा करती है? गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं हम, बच्चों की हेल्प भी करते हैं पढ़ाई में, और भी जितनी प्रकार की सेवा हमसे होती है हम करते हैं, 24 आवर्स हम तैयार रहते हैं सेवा के लिए। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है? हम सबसे यही कहना चाहेंगे भी कि सबका सहयोग होना चाहिए बीच में, चाहे ब्लड डोनेट हो या कैसी भी सेवा हो, सबका साथ होगा जब हम आगे बढ़ पाएंगे उस कार्य के लिए। 3 सालों से सर गुरुजी हैं सर डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जी, वो समाज में नहीं है, उनके सत्संग नहीं मिले लोगों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? ये तो लोगों की सोच है, देखो जी हमें तो अच्छा काम सिखाया, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ गलत काम तो सिखाया नहीं होता हमें, हम अच्छा काम सिखाया हम तो अच्छा काम करेंगे, दुनिया वाले तो कुछ भी कहते हैं। जरूरत है समाज को गुरुजी की? जरूरत तो है समाज को गुरुजी की, जब से गुरुजी गए देख लो आप कितनी, मतलब आपदा वगैरह आ रही है, कैसी कैसी बीमारी चल रही है, 3 साल से अंदर देश तरक्की पे नहीं है बिल्कुल भी, ये सबको पता है बात। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्दी जल्दी रिहाई मिले और देश का फिर भला हो, समाज कार्य और आगे बढ़े। सर उनके ऊपर जो दूसरी तरफ आरोप लगाए जाते हैं उसके बारे में क्या मानना है? आरोप तो सबको पता ही है, देखो झूठे लगाए गए हैं, एक गुमनाम चिट्ठी आधार पर केस दर्ज किया गया तो सबको पता है। पब्लिक को क्या अपील करोगे, क्योंकि पब्लिक ने जितना भी कुछ जाना है वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में या गुरु जी के बारे में, जो भी मीडिया में दिखाया उसके द्वारा जाना है, आप क्या? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा जिसने भी मतलब मीडिया वगैरह में कुछ भी सुना है हमारे साथ चलो, सिर से हम अपने खर्चे से लेकर चलेंगे उसके, जो भी मीडिया में दिखाया उसको हम चीज़ वही दिखाएंगे, जब हमें कुछ मिले जब हमसे कहना, न्यूज़ में जो भी दिखाया गया सब गलत है वो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे साथ वो सोशल वर्कर हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए, 28 बार ये खूनदान कर चुके हैं, प्लेटलेट्स 4 बार ये प्लेटलेट्स दूसरों के लिए दान कर चुके हैं, इन्होंने काफ़ी सैकड़ों जिंदगियां आज तक दूसरों की बचाई हैं, ऐसी सोच के लिए ये मानते हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जिंसा ने इनको प्रेरणा दी है। आपकी क्या राय है एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने आज तक पूरे विश्व की बात करें तो लाखों जिंदगियां बचाई हैं सिर्फ खूनदान करने से, ऐसी सोच को ऐसे संत को आपकी क्या राय है संत के बारे में जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।